नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं जनपद फरुखाबाद की कुछ खास खबरें। सबसे पहले विगत 2 अक्टूबर 2020 को शहर कोतवाल व एसओजी प्रभारी ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी, जिसके बाद विक्रांत अवस्थी के घर से 2 झोला भरकर नोट मिले, यानी 15,28,000 रुपए और एक नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद की गई थी। आपको ज्ञात हो कि ये छापेमारी आईपीएल सट्टे को लेकर हुई थी और पुलिस ने विक्रांत अवस्थी पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें वह फरार चल रहा था, तो पुलिस ने नंदी सेना प्रमुख विक्रांत अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 20 मई 2020 को शहर कोतवाली पुलिस ने विक्रांत अवस्थी, उसके भाई विकास अवस्थी, साथ ही साथ राहुल व सिल्वर शाइन सिनेमा के सामने निवासी विकास राजपूत, आकाश ठाकुर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस तभी से विक्रांत अवस्थी को तलाश रही थी। मंगलवार सुबह लगभग 9:30 बजे घोड़ा नखा चौकी इंचार्ज विद्यासागर तिवारी ने विक्रांत अवस्थी को दरीबा पश्चिम पुलिया से निकट से गिरफ्तार कर लिया है। तो दोस्तों, ये रही पहली खबर। अब हम आपको बताते हैं यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम की दूसरी खबर। तो आइए हम आपको बताते हैं फरुखाबाद जनपद की दूसरी खबर। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम देखने के लिए धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं दूसरी खबर। इटावा बरेली हाईवे पर फिर चढ़ी बलि, जनप्रतिनिधि व प्रशासन मौन। इटावा बरेली हाईवे की हालत कितनी दयनीय है, इसके बारे में आप अधिकतर खबरों में पढ़ते रहते हैं और आए दिन वहां हादसे होते रहते हैं, परंतु जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को उन परिवारों के चीखों की आवाजें सुनाई नहीं देती, जिनकी चीख चीख कर गले में खराशे हो जाती हैं। और बीती रात बाइक से जा रहे नलकूप विभाग के वरिष्ठ लिपिक की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। जी हां, कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के शेखपुर खजूरी के रहने वाले राजेश कुमार पुत्र कालिका सिंह बेबर रोड फतेहगढ़ स्थित नलकूप विभाग में सहायक लिपिक के पद पर तैनात थे और बीती रात अपनी बाइक से घर जा रहे थे और बनपोई के निकट अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम हाउस भेजा, परिवारजनों को सूचना मिली, वगैरह वगैरह वगैरह। परंतु सच ये है कि इटावा बरेली हाईवे पर ना जाने कितनी बलि लेगा, या यूं कहें कि ना जाने कितने घरों को बर्बाद करेगा, जिसके बाद कहीं प्रशासन इन जनप्रतिनिधियों की आंखें खोलेंगे। परंतु आप कहीं नहीं जाइए, क्योंकि हम खबरें अभी बाकी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज का प्राइम टाइम। तो अब सुनिए तीसरी खबर। हवा से बातें करते तेज रफ्तार टेम्पू पलट गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। फरुखाबाद में प्रशासन की लापरवाही के चलते डग्गामार वाहनों का खूब भरमार है। इसी क्रम में तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित होकर टेम्पू पलट गया, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। टेम्पू चालक मौका देखकर टेम्पू छोड़कर फरार हो गया। ये घटना फैजबाग की है। वहां से सवारियां भरकर टेम्पू कायमगंज की ओर जा रहा था। टेम्पू जब खुड़नाखार की पुलिया के पास पहुंचा, तब टेम्पू की रफ्तार ज्यादा होने के कारण और टेम्पू में बज रहे तेज आवाज से गाने के कारण टेम्पू अनियंत्रित होकर सीधा गड्ढे में जा गिरा, जिसमें टेम्पू में सवार आधा दर्जन सवारियां घायल हो गईं। टेम्पू चालक मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। टेम्पू गड्ढे में गिरने से आसपास के लोग आ गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को कायमगंज में सरकारी अस्पताल भेज दिया। ग्रामीणों ने बताया कि टेम्पू बहुत तेज रफ्तार से चल रहा था और बहुत तेज आवाज से उसमें गाना भी बज रहा था। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज का प्राइम टाइम। हम फिर मिलेंगे दूसरे प्राइम टाइम में नई खबरों के साथ। तब तक मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।